आपके साथ आलोक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर दिन दहाड़े बैंक से 23 लाख रुपए की लूट हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की 23 लाख की लूट से जुड़ी हुई, बैंक से जहां पर दिन दहाड़े ये लूट होती है। तो गन पॉइंट पर लूट को दिया अंजाम। तो बड़ी खबर, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत में ये लूट का मामला सामने आया है। हालांकि मौके पर आला अफसर पहुंच चुके हैं। तो सदर बाजार के आचार्य नगर का ये मामला सामने आया है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की, जो मथुरा से है। मथुरा में होती है 23 लाख रुपए की लूट, दिन दहाड़े ये लूट होती है। और जो बैंक है वो है आर्यव्रत बैंक, जहां पर गन पॉइंट पर लूट को दिया गया अंजाम। तो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत में लूट का मामला सामने आता है। हालांकि मौके पर फिलहाल आला अफसर मौजूद हैं। सदर बाजार के ये आचार्य नगर की ब्रांच है, जहां पर ये लूट का मामला सामने आया है। तो हालांकि मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, पूरी तरीके से पुलिस पहुंच गई है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लुटेरे है कौन और क्या किस उद्देश्य से किया था, कोई क्या किसी की अब तक पहचान हो पाई है, ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन बड़ी खबर जो यही है कि फिलहाल लूट का जो मामला सामने आया है। तो हम बात कर रहे हैं मथुरा से बड़ी खबर की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए दिन दहाड़े किस तरीके से जो आते हैं अपराधी और गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि अब ये अच्छा जाहिर की जा रही है कि क्या कोई कर्मचारी की भी मिलीभगत हो सकती है। अमित भार्गव फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत में जो लूट हुई है, फिलहाल अब तक इस लूट के बाजार बाद किस तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, लुटेरों का कुछ पता लग पाया है क्या? जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ और चारों तरफ पुलिस है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना आर्यव्रत बैंक में जो कि सदर बाजार में है, पूरा इलाका खाली रहता है वो इस समय और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, वहां पर ये घटना को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है करीब जो है 23 लाख रुपए अभी जो सामने निकल के आए हैं वो गन पॉइंट पे जो है बदमाश जो है ले गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और वो जानकारी कर रही है कि किस कौन कौन लोग थे, अगर उनकी पहचान होती है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी अमित, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में क्या कोई बैंक का कर्मचारी जिसकी मिलीभगत कोई सामने आ पाई है, सीसीटीवी फुटेज थे क्या, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, अभी कप्तान जो मथुरा के हैं एसपी, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना यह है कि अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, हो सकता है कि किसी कर्मचारी का हाथ हो, लेकिन अभी इसमें कहना उचित नहीं होगा, जैसे कि जांच होगी तो हम आपको बता देंगे। जी बिल्कुल अमित, ये बड़ी खबर है और हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। अमित भार्गव हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लूट का जो मामला सामने आया है, इस लूट के मामले सामने आने के बाद अमित, फिलहाल पुलिस की अगर जांच की बात करें तो किन किन बिंदुओं पर चल रही है पुलिस की जांच? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो अहम इसमें पॉइंट है वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है, उनको खंगाला जा रहा है, उनसे आगे पीछे देखा जा रहा है करके कि कौन लोग आए, कितने बजे आए और किन किन लोगों से क्या क्या इसमें वारदात हुई और किस तरीके से पैसा निकाला गया। जी चलिए अमित, आप नजर रखिएगा इस खबर पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अमित हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़े थे, फिलहाल बता रहे थे कि पुलिस की जांच लगातार जारी है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा मामला है, 23 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है।